क्वेश्चन केस पूछ। में क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले आपको इस कोर्ट के ऑर्डर्स के वायलेशन के लिए क्यों ना पनिश किया मैं जाए। आपको उसको उस उस दिन जवाब भी दे सकता समझाया हूँ, था कि आप कोर्ट के ऑर्डर्स को लाइटली बिजी मत मत हो, इंजीनियर है, तो आप फिर ऐसा क्यों करते हैं कोर्ट के साथ। उस दिन आप आए, हमने बस आपको माफ कर दिया था ये कहते हुए कि चलो भाई टाइम दे देते हैं, फिर आपने उसमें हाइड एंड सीक गेम खेला। तो मैंने विच ऑर्डर? भाई पेज नंबर 3 तो डिटेल्ड ऑर्डर दिया हुआ है, डायरेक्टेड विद प्रेजेंस ऑफ चीफ इंजीनियर लॉर्डशिप एंड आई थिंक ही डजंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डर्स व्हिच इज बीइंग पास्ड बाय दिस कोर्ट। ही इज एन ऑफिसर, एसडीओ आई थिंक ना, क्या है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तो आप फिर ऐसा क्यों करते हैं कोर्ट के साथ। उस दिन आप आए, हमने आपको माफ कर दिया था ये कहते हुए कि चलो भाई टाइम दे देते हैं, फिर आपने उसमें हाइड एंड सीक गेम खेल लिया। नहीं सॉरी, क्या है, व्हाट इज दिस? आपको क्या ऑर्डर की कॉपियां मिलती नहीं है? डोंट यू रीड द ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम? बताइए कंटेम्प्ट क्यों नहीं किया जाए आपके खिलाफ? आपने देखा ऑर्डर, देखा क्या हमारा 5-12 का? अब उसको उसको देख के आप बताइए इनका क्या मतलब, ही इज लायबल टू बी पनिश्ड। फाइल द रिप्लाई, यू हैव टू, वी हैव ऑलरेडी इशूड नोटिस एज टू व्हाई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स मे नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि आप कोर्ट के ऑर्डर्स को लाइटली मत लो। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप पढ़ते नहीं है ना, अपने काउंसिल से कंसल्ट करते हैं, कुछ नहीं करते आप लोग, और आते आखिरी दिन है जब कोर्ट में केस लगा हो उस दिन आते हैं 11 बजे, 10:15 बजे कोर्ट चालू होता, आप लोग 11 के पहले आते ही नहीं यहाँ पे। दैट आई नो वेरी वेल व्हाट इज गोइंग ऑन एंड कैसा क्या होता है, सब मालूम है मुझे। चीफ इंजीनियर टेकिंग शो कॉज पर्सनल एज टू व्हाई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स बी नॉट इनिशिएटेड। हाँ, सो विल ऑब्वियस ग्रांट यू टाइम टू फाइल द रिप्लाई, देयर आफ्टर विल प्रोसीड। इन द कंटेंट यू फाइल रिप्लाई पर द मेन मैटर लॉर्डशिप रिप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड चीफ इंजीनियर इज देयर ही इज टेकिंग पर्सनल कॉग्निशन इन द मैटर और सो आप बताइए कि अच्छा व्हाट इज द स्टेज ही विल बजट एक्सप्लेन सैंक्शन के लिए सर सबमिट है, और मेरे पीएस सर से जो एजेंसी से बात हुई, विदिन 2 वीक्स मतलब सैंक्शन कर देंगे, इसलिए हम 1-4 वीक का टाइम मांग रहे हैं, लास्ट मतलब कंप्लायंस हो जाएगा। तो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अमाउंट नहीं, इसीलिए हमने क्या किया कि आप एक्सपेक्टेड अलग अलग ऑर्डर के ऑर्डर शीट्स पढ़ेंगे नहीं, इसलिए हमने एक ऑर्डर शीट में पूरी उतार दी ताकि आपको एट ए ग्लांस मिल जाए कि हुआ क्या है इसमें शुरू से। आई नो कि दे विल नॉट नॉट रीड 4 ऑर्डर शीट्स, दे विल रीड द ओनली लास्ट ऑर्डर शीट, देन दे विल से वेर इज द कंटेंट। दैट इज व्हाई वी हैव रिप्रोड्यूस्ड एवरीथिंग इन द ऑर्डर। अरे ठीक है ना, तो आप शो कॉज का रिप्लाई दीजिए, वील कंसिडर। बाकी केस मेन क्वेश्चन केस पूछ। में क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले आपको इस कोर्ट के ऑर्डर्स के वायलेशन के लिए क्यों ना पनिश किया जाए, उसका जवाब दे दीजिए आप। ठीक है, कितना टाइम देंगे? 2 वीक्स से 2 वीक्स। स्टार्ट हो इसके लिए कि इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 5/12/22, क्या नाम है इनका, किशन किशन वर्मा, किशन वर्मा वर्मा, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, रेस्पॉन्ड नंबर 5 PWD रायसेन, एज वेल एज चीफ इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इंचार्ज ऑफ रायसेन डिस्ट्रिक्ट श्री सी सी संजय कुमार मस्के इज पर्सनली प्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट। दे सीक 2 वीक्स टाइम टू फाइल द रिप्लाई टू द शो कॉज। शो कॉज ठीक लिस्ट इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। होगा नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, उसके बारे में 2-3 बार जी कह भी दिया और टाइम भी दे दिया।
और आपको कॉस्ट जमा करने के लिए एक हफ्ते का टाइम दिया था, आपने जमा नहीं किया। सर वो जमा हो गया, नहीं 5-12 को नहीं करना था, इसलिए मैं बोलता हूँ ऑर्डर शीट पढ़ो आप लोग, यू टेक इट वेरी कैजुअली। इफ यू रीड द ऑर्डर शीट, कितना टाइम दिया देख लिया आप उसमें, देखिए फिर 7 डेज कब खत्म हो गए, सॉरी का क्या रिप्लाई दीजिए, विल सी व्हाट पनिशमेंट इज टू बी इम्पोज्ड फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर। चलिए लिस्ट इन द सेकंड वीक ऑफ जनवरी, प्रेजेंस ऑफ बोथ द ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड ऑन द नेक्स्ट डेट आल्सो। यस नंबर 151।